नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आज महाराजगंज में रोहिन नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए रेगुलेटर तटबंधों स्लोप पीचिंग एवं नारायणी नदी के छितौनी तटबंध पर पावर स्कैप के एस्केलेटिंग एवं परक्यूलाइन का निरीक्षण किया और बरसात से पहले सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। जनपद में पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ से बचाव के लए कराए जा रहे सभी कार्यों का निरीक्षण कर स्थानीय ग्रामीणों से उनकी समस्या जानकर अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल उपाय करने के कड़े दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के 42 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इन 42 जिलों में समय से कार्य पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बाढ़ का पैसा जो मार्च और अप्रैल में दिया जाता था उसे जनवरी में ही रिलीज कर दिया गया है, जिससे समय से काम पूरा किया जा सके और जनता को हम उसका लाभ दे सके। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों का अभी तक भ्रमण रियल क्या है, कार्यकर्ता गाड़ी लगा के कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े थे और आपने रूट उसको बैक कर दिया है। इतनी गाड़ियाँ भाई सब हैं, आते मिली होंगी आपके स्वागत के लिए, तक यही हमारा टेस्ट हो जाता है जहाँ खड़े थे। काम अभी देखने के लिए हम चल रहे हैं। सर, इस भ्रमण का क्या उद्देश्य था और क्या अधिकारियों को क्या निर्देश किया? पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जो उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है, ऐसे 42 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करते हैं और उन 42 जिलों में बाढ़ के कार्यों को समय से पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। बहुत ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जो बाढ़ का पैसा पहले मार्च और अप्रैल में दिया जाता था, उस पैसे को उन्होंने जनवरी में रिलीज़ किया है, जिससे समय से काम पूरा करके हम जनता को उसका लाभ दे सकें। आज हम लोगों ने तय किया है कि महाराजगंज के कुछ परियोजनाओं को देखने का, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 16 जिले का प्रवास अभी तक मैंने किया है, 42 जिले में इसमें देखने वाला हूँ। सभी कार्य बाढ़ के हमारे समय से पूर्ण हो रहे हैं, जिससे इसको जनता का लाभ मिल पाएगा। जिस रेगुलेटर पर हम लोग खड़े हुए हैं, इस रेगुलेटर से जो बाढ़ के कारण से पीछे का हिस्सा पूरा डूब जाता था, उसका पानी निकाल करके हम रोहिन नदी में पहुंचा पाएंगे, जिसके कारण से इस एरिया को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रेगुलेटर का काम भी समय से पूरा हुआ है, बंधे का काम भी समय से पूरा हो रहा है। अभी हम लोग बाढ़ का काम देखने के लिए चल रहे हैं। जो रोहिन नदी से कटाव होता था, उस कटाव को भी हम लोगों ने पिचिंग किया है और उसके कारण से बहुत बड़े एरिया को हम बचा पाएंगे। इसी तरीके से महाराजगंज में बहुत सारी परियोजनाओं को सैंक्शन मिली है और उन सब कामों को हम बरसात से पहले पूरा करेंगे, जिससे इस क्षेत्र की जनता को इसका बहुत लाभ होगा। लोग आराम से रह सकते हैं। नालों की सफाई का भी काम चल रहा है, नदियों के कटाव और बाढ़ सुरक्षात्मक काम भी चल रहा है, रेगुलेटर का भी काम चल रहा है, यानी चतुर्दिक काम करके हम लोग इस क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाएंगे। मंत्री जी, नेपाल से हर वर्ष बाढ़ आता है, महानाला हर वर्ष टूटता है, उसको लेके किस तरह की दिशा निर्देश? पिछली बार मैं आया था तो उस नाले की सफाई के लिए मैंने बोला था और मैं वन विभाग का और अपने विभाग के लोगों को मिलकर के उस नाले की सफाई की बातचीत थी, काफ़ी काम उस पर हुआ है। और नेपाल से जो पानी आता है, निश्चित रूप से नेपाल के पानी के कारण से उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है, लेकिन स्वाभाविक बहाव है और ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, उसके कारण से बहुत सारा एरिया हमारा डूब जाता है। लेकिन बहुत बड़ा काम पिछले 2 सालों में 3 सालों में हुआ, जिसके कारण से जहां 15 लाख हेक्टेयर जमीन का कटान हो रहा था, पिछली बार बाढ़ में केवल मात्र 12,000 हेक्टेयर का कटान हुआ है। किसी प्रकार की जनहानि, धनहानि, पशुहानि पिछली बार नहीं हुई है। अब की बार भी हम लोगों का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में किसी प्रकार की कोई हानि ना होने पाए और हमारे किसानों की जमीन का कटाव भी ना हो, पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था हम उनको दे पाएं, इसी के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और उसी के तहत आज मैं यहां पर आया हूं। खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने